स्वर्गीय कर्मी का दर्जा दे और हमारी सहायिका दीदी को तृतीय कर्मचारी का दर्जा दे, इसका हमारा ये मुख्य मांग है। और 15 सूत्री मांगों में हमारा मानदेय उन्होंने जितना कम किया है, जितना एक मजदूर वर्ग को भी नहीं मिलता है, उससे भी निम्न हमें मजदूरी दिया जाता है। अगर हमें निम्न ही समझते हैं तो फिर हमसे इतना सारा बड़ा बड़ा काम क्यों लेते हैं आप? क्यों हम जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करते हैं? हमारी मांग है, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें नवंबर महीने में 1 अक्टूबर 2018 से सितंबर महीने में ही दिया था कि 1 अक्टूबर 2018 से आपके यहाँ लागू होगा, आपका मानदेय 1500 रुपए बढ़ाया जाता है। जिसे इन्होंने हमारे बिहार सरकार ने पेमेंट मिल रही है आपकी, हमारी 3750 रुपए थी जिसमें बिहार सरकार की भी 750 थी, मतलब 3000 हमारी केंद्र सरकार देती थी, 750 राज्यांश दिया जाता था, बिहार सरकार हमें अतिरिक्त देती थी, उसे भी इन्होंने गौन कर दिया। जब हमारा 1500 का ये रिजल्ट नहीं इन्होंने दिया, जब पेपर में निकाला और इन्होंने जब कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें निकाला, इन्होंने निकाला कि 1500 मैंने दिया। आखिर आपने 1500 कहाँ दिया, हमें भी जानना है, हमें भी जानकारी चाहिए। हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, हमें हर जगह आप बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वेतन के लिए आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप बिहार सरकार चलाते हैं, हम भी अपने परिवार को चलाते हैं, इतना तो हमें भी नॉलेज है कि 1500 अगर केंद्र सरकार देती है तो 1500 आप कहते हैं कि हम देते हैं, तो हमारा वेतन कहाँ गया? हमें आपने कहा मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4500 किया गया, तो फिर हमारा 1500 जो केंद्र सरकार दिया वो कहाँ गया? हमको वो भी चाहिए, आपसे भी चाहिए, आपसे भी चाहिए, चाहिए, चाहिए। नीतीश कुमार ने जब 54 दिन का हड़ताल किया था तब हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमें दिया गया आश्वासन कि हम 54 दिन का हड़ताल का मानदेय नहीं काटेंगे, पर हमारी मानदेय को काट लिया गया। तीसरा, हमारी तेलंगाना और गोवा की भांति हमें भी बिहार सरकार से अतिरिक्त मानदेय चाहिए। फिर देखिए, हमारे पास सेविकाओं को पर्यवेक्षिका के लिए 100% चाहिए आरक्षण, ऐसा नहीं है कि 25% आपने आरक्षण दिया और बाकी क्या हाथ आएगा, हमको 100% चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात हमको 5 लाख रुपया चाहिए एक बार एक मुश्त, और नहीं तो 5000 का मासिक भत्ता हमको दिया जाए। फिर क्या है, हड़ताल की अवधि की, हड़ताल अवधि की हमारी मानदेय को हमेशा काट लिया जाता है। क्यों काटा जाता है, हमें भी समायोजित किया जाए, जिस कार्य दिवस में हम भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम 5 तारीख से हड़ताल पर हैं, हमारी सरकार 2 बार हमारे संघ के आदमियों को बुलाया गया कि आपसे बात होगी। जब इन्होंने बात करने के लिए अपना पक्ष रखा तो उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगर आपको देना है सरकार तो फिर लिखित दे, तुम्हें क्या हर्ज है, मौखिक क्यों, लिखित क्यों नहीं? हमारे ऑफिस में कार्यालय में आपने क्यों नहीं आदेश भेजा, क्यों आप लिखित देने से डरते हैं? इसका मतलब आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमारे साथ काम तो लिया जाता है 2400 घंटा, लेकिन कहा जाता है 4 घंटा, हमारा काम क्या है 4 घंटा, जबकि हमसे काम लिया जाता है 2400 घंटा। अगर पूरे परिवार भी काम करें, पूरे परिवार भी 2400 घंटा काम करे, तब भी मेरा काम पूरा नहीं होता। नाम क्या है हमारा, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी का मतलब शायद सरकार को पता नहीं, इसीलिए हमें वो छोटा समझते हैं, पर हम छोटा नहीं है, ये उनको दिखा के रखेंगे, इस बार उन्हें उनकी गद्दी से हिलाने का काम करके रखेंगे, तभी उन्हें समझ में आएगी हम आंगनवाड़ी सेविकाओं में क्या है। हम आंगनवाड़ी सेविकाएं सिर्फ आंगनवाड़ी नहीं है, उन्होंने हमें आंगनवाड़ी बना दिया, आंगनवाड़ी नहीं आंगनवाली बना दिया। काश हमें वो आंगनवाड़ी बनाते, पर उन्होंने आंगनवाली बना के रख दिया। 2016 से हमारा मानदेय बाकी है, आप बताइए हम क्या खाएं क्या पिए, आपका काम करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, हमारी तबीयत खराब होगी तो कहाँ से दिखाएंगे, आप बताइए। हमारे बच्चे रोते हैं, नीतीश कुमार सोते हैं, उनका कुत्ता जितना एक दिन में दूध पीता है उतना से भी कम हमारा मानदेय है, जब हम 30 दिन काम करते हैं उनके अंदर, बताइए क्या करें।